नमस्कार किसान भाई, आज हम बात करेंगे आलू की बुवाई के बारे में। आलू की बुवाई के बारे में पूरी डिटेल देंगे, कैसे आपको लगाना है। लगाने का ही तरीका सबसे इम्पोर्टेंट होता है आलू में। अगर आप आलू को अच्छे तरीके से अगर लगा देते हैं तो उत्पादन भी बहुत ही शानदार देता है। अगर आप आलू को सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं तो उत्पादन की वहीं पर घट जाता है। आलू की साइज़ कम होती है, आलू का मतलब बढ़वार कम होता है। तो हम ऐसे बताएंगे डिटेल इसके। मैं जैसे एक बार मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं गया था पिछले साल धान देखने, तो धान का उत्पादन बहुत ही शानदार था उस किसान भाई के यहाँ। परंतु जो आलू की खेती कर रहे थे उस समय, तो आलू की खेती में क्या गलती कर रहे थे कि पहले खेत को अच्छे तरीके से जुतवा लिया उनने, फिर रोटोवेटर और वो पूरे तरीके से उनने कर लिया खेत तैयार। तैयार करने के बाद उन्हें पूरे खाद और जो भी है डाल दिए, और खाद डालने के बाद में उन्हें क्या कर रहे थे किसान भाई कि आलू को गड़ा दे रहे थे, खोद रहे थे हल्का सा दोनों तरफ से, और फिर आलू को रख रहे थे, फिर ढाक दे रहे थे, प्लेन ढाक दे रहे थे, फिर वैसे आगे भी वैसे ही किए, मतलब लाइन बार वैसे ही करते जा रहे थे। परंतु इस टाइप का करने से क्या होता है कि आलू का जो है वो गाड़ दिए अपन ने, है ना। गाड़ने के बाद में पानी छोड़ने के बाद, पानी जैसे अपन छोड़ते तो पूरा सरफेस मट्टी बैठना फिर शुरू हो जाती है, मट्टी बैठ जाती है, तो फिर आलू का जो है टाइम पीरियड वो 10 से 11 दिन के बाद में वो कनखी मतलब अच्छे से फेंक पाएगी, मतलब उसकी जो ऊपर के भाग है निकल पाएंगे पत्तियाँ उत्तियाँ। तो पत्तियाँ निकलने के समय तक मट्टी बैठ जाएगी, मट्टी ज़मीन में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, आलू के पूरा दबाव चारों ओर से बन जाएगी। दबाव बनने के बाद में ये छोटे छोटे आलू और विकसित होंगे, तो आलू विकसित होंगी, लेकिन तब तक में जब ये आलू छोटी वाली आएंगी तो पूरा जो मट्टी है मट्टी दबाव से टाइट हो जाएगी, तो वो आलू बढ़ नहीं पाएंगे। आपको ये समझना होगा वो आलू बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये समझना है आलू बढ़ाने के लिए सबसे पहले लगाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। लगाने का तरीका हमने बताया फिर उस किसान भाई को कि आपने तो अच्छे तरीके से ये कर लिया है धान की खेती, परंतु आलू की खेती में थोड़ा सा दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है कि आपको कतार विधि से लगाना है। पहली चीज़ आप पूरे खेत को तैयार करवा लीजिए और फिर कतार आप बना लीजिए एक रस्सी के माध्यम से, और फिर आप आलू को रखते जाइए नंबर वाइज रखते जाइए, और फिर जहाँ पर आपने आलू रखे हैं उस साइड से मिट्टी दोनों तरफ से उठा के चढ़ा दीजिए, और ऐसे लंबी से पूरी जंपिंग बनाते जाइए। जंपिंग अगर आप बना देते हैं पूरे दोनों तरफ से होल्डिंग कर देते हैं तो, और फिर पानी आप चलाएंगे, जब आप पानी चलाएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पानी भी कम लगेगा, पानी की सिंचाई भी आपको कम करनी पड़ेगी, और ज़मीन ठोस नहीं होगी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि मट्टियाँ बैठेंगी नहीं, क्योंकि बीच से पानी आएंगे नाली द्वारा पानी आने के कारण मट्टी भुरभुरी रहेगी। मट्टी भुरभुरी होने के कारण आलू का साइज जो है वो गेन होगा। जो नई आलू आना शुरू होंगी, जो मतलब छोटी आलू मतलब छोटे छोटे आना शुरू होंगे, वो भी विकसित होंगे अच्छे से। आपको ये समझना, विकसित भी होंगे और बड़े साइज के होंगे, उसी से आपका गेन होगा, और नए भी मतलब जो छोटे छोटे आलू होंगे वो ज़्यादा संख्या में आएगी। आपको ये समझना होगा। तो आपको आलू की खेती जंपिंग बना के करिए एक बार, तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। तो हमने ऐसा बताया उस किसान भाई को, तो वो किसान भाई क्या किया कि मैंने बोला कि आप ज़्यादा नहीं करिए, दो नाली करिए, मात्र दो नाली, मजदूर भी उतने ही लग रहे हैं, सब उतना ही हो रहा है, परंतु आप दो नाली करके देखिए। तो वो किसान भाई मेरे कहने में दो नाली किया, और फिर उसके बाद में उनने दूसरी बार जब खेती की तो पूरा उसी विधि से किया, और क्योंकि उत्पादन शानदार मिला उस टाइप में। पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, कम पानी में भी काम चल जाता है। एक तरफ से उनने पानी छोड़ दिया और पूरी चारों ओर पानी चला जाता है, पानी का फुटाव हो जाता है। तो ऐसा आलू की खेती कर सकते हैं।
और आलू की खेती में कौन कौन सा खाद डालना है और कौन कौन से तरीके हैं। आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी अगली वीडियो मिलेगी, कमेंट करेंगे आपको आप कौन सी विधि चाहिए आलू के बारे में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।